वेलकम टू ज्योति कॉलेज कुकिंग क्लासेस। हम इजल करंजी में ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, वैसे ही हम ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं जिसमें 35 प्लस वेज कोर्सेस हैं। आज हम एक नई रेसिपी लेके हैं। मोस्टली कैसे चलता है कि आजकल सभी प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, कोई मसल्स बिल्ड करने के लिए लेता है, बच्चों को देते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ होने के लिए, कोई बालों के लिए क्योंकि बाल मजबूत होने चाहिए तो उसके लिए भी प्रोटीन लेता है, इसलिए आया है ना प्रोटीन रिच शैम्पू। अगर वो ऊपर से खाने के लिए मींस जो प्रोटीन पाउडर मिलती है, तो प्रोटीन पाउडर में बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, उसकी जगह हमने अगर प्रोटीन डाइट लिया जो नेचुरली हम घर पे नेचुरली भी होता है और हम घर पे घर के इंग्रेडिएंट के साथ रिच, उसमें प्रोटीन रहेगा, उसमें फाइबर रहेगा, विटामिन्स रहेंगे, ये भरपूर जो इसमें है वही आज हम बनाने वाले हैं जो है प्रोटीन रिच सलाद। तो आपको प्रोटीन रिच शैम्पू लगाने की भी जरूरत नहीं और प्रोटीन रिच जो पाउडर रहती है वो पाउडर भी खाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आज हम बनाने वाले हैं प्रोटीन रिच सलाद जिसमें विटामिन सी है, फाइबर, कैल्शियम है, ऐसे अलग अलग घटकों के साथ मीन्स टोटली हमने वहां पे एक चार्ट भी दिया है कि आपको इसमें से कितना क्या B12 मिलेगा, इसमें से आपको B12, B10 ऐसे अलग अलग विटामिन्स भी मिलने वाले हैं, उसके साथ कैल्शियम भी मिलने वाला है, उसके साथ फाइबर भी मिलने वाला है। ऐसे आज हम बनाने वाले हैं प्रोटीन रिच सलाद, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये हमारा जो प्रोटीन मीन्स जो डाइट वाला प्रोटीन रिच सलाद है वो आपको कैसे लगा, आपको पसंद आया। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छा है, अगर आपने उसमें एक कप खाया तो आपको रोटी चावल खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा ही हमारा प्रोटीन रिच सलाद, हम रेसिपी के लिए स्टार्ट करें। तो आज और एक हम सलाद बना रहे हैं वो है प्रोटीन रिच, मीन्स हमने विटामिन का बनाया, अब प्रोटीन से रिच जो सलाद है वो आज बनाएंगे। मोस्टली प्रोटीन जो खाते हैं जिसमें केमिकल्स रहते हैं, जो बाहर से प्रोटीन खाते हैं उसमें केमिकल्स रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, हम आज जो बनाएंगे सलाद वो नेचुरल सोर्सेस के साथ हम नॉट ओनली प्रोटीन बट इसमें हम विटामिन भी ऐड करेंगे प्लस फाइबर, मीन्स जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, उनके लिए मोस्टली रॉ खाया जाता है, मीन्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप रॉ फूड खाना। तो इसमें से आज हम प्रोटीन प्लस विटामिन रिच ऐसा आज का हमारा सलाद बना रहे हैं। इसमें मैंने लिए हैं एक कप मूंग, मूंग मैंने ऐसे स्प्राउट वाले लिए हैं, अगर स्प्राउट मीन्स जो मूंग है या जो भी आप लोगे वो प्रोटीन से और विटामिन से दोनों में से और कैल्शियम, ये जो मूंग को स्प्राउट आते हैं उसमें से हमें विटामिन सी मिलता है और ये जो इसका छिलका है, ये चना है, ये मूंग है, तो इसका जो छिलका है छिलके में से हमें मिलता है बी विटामिन, मीन्स विटामिन बी छिलके में से, इसलिए हम जो भी इसमें यूज करेंगे ये छिलके के साथ ही यूज करेंगे। तो ये है एक कप मूंग लिए हैं, यहाँ पे मैंने लिए है 3/4 कप चना, ये जो चना है इसको भी मैंने स्प्राउट मीन्स भिगो के उसको स्प्राउट आने के लिए रखा है। ये है राजमा, राजमा भी प्रोटीन रिच है तो उसको भिगो के मैंने बॉइल करके, क्योंकि वो कच्चा नहीं खाया जाता इसलिए इसको बॉईल करके हमने लिया है। ये है विटामिन सी रिच टमाटर, आप फ्लेवर के लिए भी यूज करते हो और फिर इसमें से विटामिन सी भी मिलता है। ये है प्रोटीन रिच पनीर, मींस पनीर में हाईएस्ट प्रोटीन रहता है, तो यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 कप पनीर। ये 1/2 कप लिया है प्याज, प्याज मैंने टेस्ट के लिए, इसमें भी फाइबर है। ये चना, चना भी सॉरी जो पीनट्स है मीन्स सेंगदाना, तो उसको भी मैंने छिलके के साथ लिया है, मीन्स हमें इसमें से फाइबर मिलेगा। ये है विटामिन ए और कैल्शियम से रिच, जो हम डेली यूज करते हैं वो है कोरिएंडर यानी धनिया, वो आप कम ज्यादा कर सकते हो।
टेस्ट के लिए यूज किया है यहाँ पे मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, भुना हुआ जीरा, जीरा भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है ये पुदीना, मीन्स पुदीने की चटनी ली है। पुदीने में भी विटामिन ए है, कैल्शियम है और आयरन है। ये विटामिन सी से रिच है लेमन जूस। जब भी आप लेमन जूस यूज करोगे कट करके तुरंत खाना चाहिए, अदरवाइज इसमें से जो सी विटामिन है वो निकल जाता है। तो आज हम रेसिपी के लिए अभी स्टार्ट करेंगे। अब जो ये रॉ है इसमें हम ऐड करेंगे, ये है मूंग, चना, बॉइल्ड राजमा, टमाटर, प्याज। अब पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको पता होगा कि प्रोटीन क्यों खाते हैं। अब तो सप्लीमेंट्री हो गया है प्रोटीन, मीन सब लोग प्रोटीन में ज्यादा खाने लगे हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे ये पनीर। प्रोटीन क्यों खाना चाहिए, तो प्रोटीन जो है जिसमें से हमें जो टिश्यूज है हमारे बॉडी के वो टिश्यू रिपेयर करते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको बढ़ने के लिए मीन्स उसके ग्रोथ के लिए उनके प्रोटीन दिया जाता है। जो मिडल एज है उनको, जो हमारे बोन्स हैं वो बोन्स के लिए दिया जाता है। ऐसे ही सबसे जो इम्पोर्टेंट है आजकल की सब लोगों की जो प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल। हम लोग देखते हैं कि हेयर फॉल, अब ये है चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर, लेमन जूस। अब इसको मिक्स करना है, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने अभी बताया कि आजकल सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल की। हम देखते हैं हेयर फॉल की प्रोटीन रिच शैम्पू ऊपर से लगाने से कुछ नहीं होता, अंदर हमें पेट में जाना चाहिए प्रोटीन, इसलिए ये सैलेड बहुत ही यूजफुल है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पुदीने की चटनी, इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है कि ये जो सलाद है वो एकदम चाट जैसा इसका खुशबू आ रहा है। इसमें ऐड करेंगे पीनट्स, और लास्ट हम ऐड करेंगे कैल्शियम से रिच, मींस हम डेली जो यूज करते हैं वो हरा धनिया ने कोरिएंडर लीव्स। ये इसलिए हम डेली क्यों यूज करते हैं धनिए की हमें पता नहीं, हम बोलते हैं कि ऐसे ही इसको खाते हैं, बट हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ऐसे हमें जो भी दिया है वो बहुत ही सोच समझ के दिया है खाने के लिए। इसलिए कोरिएंडर तो हम डेली यूज करते हैं क्योंकि कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की जरूरत हमें ज्यादा रहती है। ऐसा ये हमारा आज का जो सलाद है ये प्रोटीन रिच सलाद, ये एंटीबॉडीज भी बनाता है, मसल्स मींस आज जो जिम करते हैं उनके मसल्स इतने अच्छे रहते हैं तो क्यों, तो वो प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन पाउडर पीते हैं। बट हम आज ऐसे सलाद के स्वरूप में खाएंगे ये फ्रेश और बिना कोई प्रिजर्वेटिव ऐड किए ये प्रोटीन रिच सलाद खाएंगे। तबे हम डिश आउट करेंगे। Preview. अभी हमारा सलाद रेडी है।